हम बात कर रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री की, ठीक है? तो हेडिंग डाल लीजिए थर्मोकेमिस्ट्री। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे मुझसे इसमें, देखिए लिखते जाएं। फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शंस, सेकंड जो आप मेरे से डिस्कस करने आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज, तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज में ऑफ एंथैल्पी जिसके अंदर आप मुझसे डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, सब एक एक करके पढ़ेंगे। एंथैल्पी ऑफ कंबशंस, या बिल्कुल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशंस, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशंस, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशंस, सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशंस, ये सारी एंथैल्पी हम डिस्कस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एनर्जी, ये सारी एंथैल्पीज भी हमारी होगी। इसके अलावा सेवेंथ नंबर पे एंथैल्पी ऑफ लैटिस, लैटिस एंथैल्पी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, हम इन सबको कैलकुलेट करेंगे, इनकी मदद से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पे कमेंट करना हम सीखेंगे, ठीक है? इसके अलावा बॉर्न हेवर्ट साइकिल हमारा मेन टॉपिक रहेगा, बॉर्न हेवर्ट साइकिल। तो ये हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको हमें एक एक करके सब कुछ करना है, ठीक है? और लास्ट में हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। तो ये तो रहा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। देखिए इस चैप्टर में हम जो भी बात कर रहे हैं वो है हीट से रिलेटेड, तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, इंट्रोडक्शन द पार्ट ऑफ साइंस लिखते जाए, डेफिनेशंस द पार्ट ऑफ साइंस, ये केमिस्ट्री हम बात करते हैं, केमिस्ट्री इन विच वी रीड, इन विच वी रीड अबाउट कन्वर्जन ऑफ ऑफ केमिकल एनर्जी,
टू हीट और हीट टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन रहेगा थर्मोकेमिस्ट्री का। यानी कोई भी रिएक्शन है, ए प्लस बी हो रहा है और वो रिएक्शन हो रही है सी प्लस डी बन रहा है, प्लस माइनस क्यू है, हम इस बात में डिस्कशन करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में। यानी कमेंट ऑन क्लू इस थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट। यस, लिखें इसको। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शंस करा, अब हम बात करें केमिकल रिएक्शंस को भी हम डिवाइड करेंगे। तो केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, दो तरह से। केमिकल रिएक्शंस, एक वो रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है और एक वो रिएक्शन है जो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट प्लस हीट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट। तो यहां पर कर्व आपको देखने को ऐसा मिलेगा, रिएक्टेंट यहां पर एनर्जी होगा, कर्व रिएक्शन कोऑर्डिनेट। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये तो हमारे लिए हो गया एंडोथर्मिक के लिए, हीट एब्जॉर्ब होगी और कर्व ऊपर जाएगा, और अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो हमारा कर्व नीचे जाएगा, और ये एनर्जी रिएक्शन। यानी हमारे लिए रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट प्लस हीट बनाएगा, और ये हमारे लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो एक बहुत छोटा छोटा सा मैंने डिस्कशंस किया कि दो तरह की रिएक्शन है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। मैं फिर बोल रहा हूँ, एनर्जी इज द कंजर्वेशन क्वांटिटी, यानी एनर्जी कंजर्व होगी, बट वी नो दैट एनर्जी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म। सो इन दैट रिएक्शन, इन दैट केस वी कैन से दैट द एनर्जी, विच एनर्जी, हीट कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी। बट इन अनादर केस एनर्जी, विच एनर्जी, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इन हीट। सो आई थिंक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट केमिकल इन दिस रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एंड हीट एनर्जी कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। अनादर पॉइंट इज दैट वेन हीट कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी मीन्स वॉट, इट मीन्स दैट द जनरेटेड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। इन अनादर केस वेन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हीट, इट मीन्स जनरेटेड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट इज वेरी गुड वे बाय वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। आ रहा है बात समझ में? तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका हमारे को समझ में आ गया एक इंट्रोडक्शन में, और ये सारा पार्ट हम यहीं पढ़ रहे हैं। पक्का? तो क्या अगला पॉइंट हम स्टार्ट करने से पहले मैं फिर अपने फ्लो में आऊंगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैं आपको अलग अलग तरह के एनर्जी के नाम लिखाता चला जाऊंगा और उनसे आपको डिस्कशंस कराऊंगा। लेकिन उससे पहले दो टर्म और है इंपॉर्टेंट, एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एक स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स। एक टर्म है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मतलब है इट शो द चेंज ऑफ एंथैल्पी, ठीक है, टोटल एनर्जी इन गिवन रिएक्शन। तो बिल्कुल सही है, इट शो द ट्रांजिशन ऑफ हीट, ट्रांजिशन ऑफ हीट
व्हेन की जगह हम हीट इन गिवन रिएक्शंस, गिवन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहे हैं, बी प्लस कन्वर्ट हो रहे हैं सी में, और डेल्टा एच दिया है और वो प्लस है या डेल्टा एच माइनस है, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि प्लस है तो ये कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक, और माइनस है तो एक्सोथर्मिक। तो यहाँ डेल्टा एच क्या होगा, माइनस, और यहाँ डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच प्लस। समझ में आ रही है बात, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारे लिए हो गया टोटल हीट चेंज, या टोटल हीट चेंज भी बोल सकते हैं या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बात अलग पॉइंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, डेल्टा एच की यूनिट, यूनिट ऑफ डेल्टा एच क्या होगा यहां पर, किलो जूल या किलो कैलोरी। ये एक और पॉइंट हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, अगर रिएक्शंस को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, और रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा। अगर यानी अगर आपके पास ए प्लस बी है जो सी से चेंज हो रहा है, और डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास माइनस एक्स है, और आपने पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस बी कन्वर्ट इन ट्वाइस सी, तो डेल्टा एच भी टू से मल्टीप्लाई होगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, और यहां पर रिएक्शन के ऊपर डिफाइन है, इज दैट क्लियर। तो ये है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, पक्का। एक और बात होती है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस हमारे लिए हो गया, अगला पॉइंट हमारा होगा एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी। इसका मतलब क्या होगा, यानी सेकंड हमारे लिए होगा डेफिनेशंस, और वो हमारे लिए होगा एंथैल्पी, सेकंड इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक एंथैल्पी, क्या होता है ये स्पेसिफिक एंथैल्पी, इसको समझते हैं, करें शुरू। स्पेसिफिक एंथैल्पी को इस तरह से देखना है अपन को, देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर किसी मॉलिक्यूल पे जो एंथैल्पी डिफाइन होगी वो स्पेसिफिक एंथैल्पी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी के लिए कह दिया कंबशन एंथैल्पी, न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन, तो पर्टिकुलर किसी ना किसी सब्सटेंस पे डिफाइन करूंगा, तो ये सब्सटेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, फॉर्मेशन एंथैल्पी प्रोडक्ट पे डिफाइन होगा। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी व्हेन चेंज ऑफ, लिखते जाए, व्हेन चेंज ऑफ एंथैल्पी डिफाइन ऑन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सब्सटेंस, आप जो लिखना चाहो, स्पेसिफिक सब्सटेंस, ब्रैकेट में लिख सकते हो मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट। तो हमने एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, और वो नाम से भी पता चल जाएगा, तो इस कॉल्ड स्पेसिफिक एंथैल्पी। पक्का, तो यहां पर कुछ खास पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट। तो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस के ऊपर डिफाइन होनी चाहिए वो हमारे लिए वन मोल या वन ग्राम पे डिपेंड करता है, कि ये एंथैल्पी हम किलो जूल पर ग्राम या किलो कैलोरी पर ग्राम पे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कुछ खास पॉइंट, इट इज ए इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसकी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स होंगी इसकी जनरली तो हम किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल ये यूज करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में किलो जूल पर ग्राम भी यूज करते थे,
ठीक है, ग्राम, हर चीज ग्राम पे बदलने की आदत थी पहले, आजकल हम मोल पे बात करते हैं, तो किलो जूल या किलो कैलोरी पर ग्राम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये चीज तो हमारे लिए होगी। थर्ड पॉइंट, जो हमारे पास पॉइंट आते जा रहे हैं वो हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई इंटेंसिव और दिस। अगर हम बात कर रहे हैं कि किलो जूल पर मोल, तो इसका मतलब जो भी गिवन सब्सटेंस है वो 1 मोल होना चाहिए जिसके ऊपर डिफाइन हो रही है। तो द क्वांटिटी ऑफ द स्पेसिफिक सब्सटेंस, शुड बी स्पेसिफिक 1 मोल या 1 ग्राम, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक। तो यहां हमारे पास पूरी टर्म स्पेसिफिक चलेगी पक्का, और हम रिएक्शन को फिर 1 और 2 से 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ये चीज है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास होगा, इफ क्वांटिटी क्वांटिटी इज ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफिक। हाँ बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पक्का। तो इफ क्वांटिटी ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस इज फिक्स्ड, फिक्स्ड है, तो उस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस एंड एंथैल्पी ऑफ स्पेसिफिक एंथ और स्पेसिफिक एंथैल्पी जो भी हमारे पास है, स्पेसिफिक एंथैल्पी आर इन सेम वैल्यू, तो सेम वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज सेम वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी के लिए कम्बशन एंथैल्पी बोला और 1 मोल ही ले लिया जिसका कम्बशन है, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और उस जगह कम्बशन एंथैल्पी सेम हो जाएगा। लेकिन अगर 2 मोल ले लिया तो फिर हम उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोल सकते हैं लेकिन कम्बशन एंथैल्पी नहीं बोल सकते। तो ये हमारे पास रहेगा कि कब हम बोल सकते हैं कब नहीं बोल सकते, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस पॉइंट्स को और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ पाएंगे जब हम स्पेसिफिक एंथैल्पी पढ़ेंगे। अच्छा, स्पेसिफिक एंथैल्पी के नाम भी होते हैं, जो स्पेसिफिक होते हैं उनके नाम, जैसे कंबशन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एनर्जी, सब्लिमेशन, लैटिस एंथैल्पी, सॉल्यूशन एंथैल्पी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इन सब के नाम भी होंगे, और जब इनके नाम होंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेसिफिक तो है। तो एक एक करके हम सारी एंथैल्पी पढ़ रहे हैं पक्का। तो हेडिंग क्या डालेगा हमारा, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। तो कुछ और टर्म्स आपके लिए जरूरत होगी बच्चों, एक और कंसेप्ट से, डेल्टा एच, थर्ड पॉइंट हमारा जो रहेगा डेल्टा एच एंड डेल्टा ई कंसेप्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कई बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डेल्टा एच लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इक्वेशन में, और बहुत सी बार डेल्टा ई लिखा होगा। डरने की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंसेप्ट सेम फॉर्मूला फॉलो करते हुए चलेंगे। बस इसका मतलब ये कि डेल्टा एच का मतलब ये कि ओपन कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, और डेल्टा ई का मतलब है क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। तो सिंपल सा पॉइंट है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले डेल्टा ई इट शो द हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज व्हेन रिएक्शंस टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर, डेल्टा एच के बारे में आप क्या बोलेंगे, इट शो द हीट एक्सचेंज when reactions take place
इन ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर। तो जब हम ये कर रहे होंगे डेल्टा ई, तो हमारा पूरा क्लोज होगा और हम इस जगह बोल सकते हैं। तो हीट एक्सचेंज का हमने क्या नाम देंगे यहाँ पर, क्यू वी, और यहाँ हम ओपन कंटेनर में हीट एक्सचेंज, तो हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, क्यू पी। बस अंतर यही रहेगा, तो क्यू तो क्यू है लेकिन अगर क्लोज है तो उस क्यू का नाम क्यू पी हो जाएगा और उसे हम डेल्टा एच बोलेंगे, और क्लोज है तो क्यू वी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास है। और अब आगे इसी के अंदर क्या क्यू एच और क्यू पी के अंदर रिलेशंस बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। कैसे बताएंगे ध्यान से देखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं इस पॉइंट्स को, कि डेल्टा एच हमारे लिए क्यू है प्लस माइनस, और डेल्टा ई हमारे लिए क्यू है प्लस माइनस। मैं प्लस माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है क्यू के साथ मैं कोई साइन नहीं लगाता, नहीं लगाता, मैं वर्ड्स में यूज कर लेता हूं। लिबरेट हीट, एब्जॉर्ब हीट, लिबरेट हीट, एब्जॉर्ब हीट, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा एच के साथ लिबरेट डेल्टा एच, एब्जॉर्ब डेल्टा एच नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो लिबरेट के साथ माइनस और एब्जॉर्ब के साथ प्लस। तो एक और पॉइंट हमारे लिए हो जाता है, क्यू डू नॉट हैविंग साइन, यानी क्यू डू नॉट हैविंग साइन, बट डेल्टा एच एंड डेल्टा ई हैविंग साइन। मैं बार बार बोल रहा हूं इस चीज को ध्यान रखना, डेल्टा एच और डेल्टा ई साइन रखेंगे, क्यू कोई साइन नहीं रखेगा, ठीक है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इन दोनों में क्या रिलेशन होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, जो मैं ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे से बता चुका हूं आपको, याद करो। तो क्या रिलेशंस होगा, अगर गिवन रिएक्शन है ए प्लस बी चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस सी और डी प्लस डी, और ए को ले लिया मैंने ई प्लस ई, ये सॉलिड है, तो सॉलिड है या लिक्विड है, इसको काट दो, बिल्कुल काट दो, इसका कोई रोल नहीं है सॉलिड और लिक्विड का, बाकी गैसेस हैं उनको संभाल के रखो। तो हमें सबसे पहला काम होता है डेल्टा एन जी निकालना। डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल गिवन रिएक्शन में माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, ये डेल्टा एन जी होता है। और डेल्टा एच की वैल्यू होती है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी डिसाइड करता है डेल्टा एच और डेल्टा ई कौन ज्यादा है कौन कम है, वो सब हम देख सकते हैं। और डेल्टा एन जी प्लस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है? आर टी हमेशा पॉजिटिव होंगे, टी केल्विन में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर की यूनिट क्या होगी, उसी यूनिट में रखना है, आर इज प्रेजेंट इन सेम यूनिट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा ई, आर इज प्रेजेंट इन सेम यूनिट, सेम यूनिट ऑफ डेल्टा एच और डेल्टा ई, ठीक है ना, एंड डेल्टा एच। तो बिल्कुल रखना पड़ेगा केल्विन में, तो रखना ही पड़ेगा, इसकी सबको सेम, डेल्टा एच और डेल्टा ई। हाँ अगर आप लिखना चाह रहे हो आर डेल्टा एन जी आर टी, बस अब तो सेम यूनिट में हो गया। तो आर की यूनिट क्या होगी उस कंडीशन में, आर को देखना पड़ेगा आपको, पॉइंट बहुत सारी वैल्यू है, 8.314 जूल, जूल पर मोल पर केल्विन, और अगर किलो जूल में है, सॉरी पहले एक और वैल्यू रख लेते हैं, या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या फिर डिवाइड कर दीजिएगा 1000 में, वो आपको खुद ही कर लीजिएगा, जूल को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं यू नो वेरी वेल, ठीक है कर लेंगे। तो ये
कन्वर्जन और ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब मैं अगला टॉपिक जो लेने वाला हूं उसको समझाने के पहले एक बार ये टॉपिक और फिनिश कर ही देते हैं। अगर कोई रिएक्शन इस तरह से हो रही है तो जो भी हीट एक्सचेंज होगी यहां से आप हीट जो भी एक्सचेंज होगी ऑब्वियसली उसको आप क्या बोलोगे क्यूपी और ये क्या हो जाएगा डेल्टा एच। और अगर इस तरह का रिएक्शन है तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा वो क्या कहलाएगा क्यूवी डेल्टा। बस अपने आप ही दिख रहा है ये कॉन्स्टेंट प्रेशर है ऊपर चल रहा है। ऑब्वियसली आपको अगर सिस्टम को बाहर नहीं निकालना तो आप एक पिस्टन भी लगा सकते हो, पिस्टन अप डाउन मूव कर सकता है। बिल्कुल ये ओपन की तरह ही काम कर रहा है एक तरह से। पी हमेशा कांस्टेंट रहेगा 180 एम, जबकि यहां पर रिएक्शन होती जाएगी प्रेशर चेंज होता जाएगा। लिखें इसको